हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला क्लिप जो है लगन से एक दिन पहले का क्लिप है। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं मॉर्निंग तक जो है मैं मतलब जब हम लंच कर रहे थे ना, तो इससे पहले की वीडियो जो है मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ। तो उसके बाद की जो है ये वाली क्लिप है। तो यहाँ पे ये मेरी भतीजी लगती है, तो ये हम सबका जो है अभी बाल बना देती है। और ये देखिए यहाँ पे ये बूंदी जो मैं उस दिन दिखाई थी ना आप सबको, तो जो बन रहा था। और यहाँ पे अभी ये इन सब का मतलब ये बन रहा था लड्डू। और ये वाला लड्डू जो है मतलब जैसे कि मेरे मम्मी पापा समधी समधन बोलते हैं तो उनको देते हैं। तो इसमें जो है लड्डू में एक एक करके पत्थर भर देते हैं और ये सारे लड्डू जो है बांधा जाता है। और ये बड़ा वाला जो लड्डू आप सब देख रहे हो ना, तो ये जो मेरे भाई की जिनकी दुल्हनिया है ना, तो उनकी मम्मी के लिए है ये बड़ा वाला लड्डू। और यहाँ पे ये देखिए ये अभी तक जो है ये इतने सारे नमक पारे मतलब निमकी बन चुका था। और ये सेवैया भी बन रहा था। और आप सब बोल रहे थे ना कि नमक पारे किसको बोलते हैं, तो कुछ कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो नमक पारे को निमकी भी बोला जाता है और नमक पारे भी बोला जाता है, दिल्ली तरफ तो नमक पारे बोलते हैं। और आप सब ये भी बोल रहे थे कि मिस्त्री नहीं बोला जाता है, हलवाई बोला जाता है। तो हम लोग के यहाँ पे ना जैसे कि मिठाई वगैरह छाँकते हैं मतलब बनाते हैं, तो उनको जो है मिस्त्री ही बोला जाता है। इसी वजह से मैंने आप सबको बोला कि ये मिस्त्री बना रहे हैं। तो जो भी आप मतलब जो भी जो जो बोलते हैं वो जो बोल सकते हो, तो हम लोग के यहाँ पे मिस्त्री बोलते हैं, तो फिर मैंने बोल दिया। और यहाँ पे ये देखिए डुगू ना, यहाँ पे बार बार जो है ये हैंड पंप यानी कल का पानी जो है चलाता है खुद ही और सारे कपड़े जो है भिगा लेता है। तो यहाँ पे जो है डुगू नाराज हो गया था क्योंकि डुगू के पापा जो है अभी डुगू को डांट पड़ी थी इसी वजह से। तो ये बार बार जो है अपने कपड़े भिगा लेता है, इसके कपड़े बहुत बार जो है मैं चेंज करती हूँ दिन में। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का बातें चल रहा है, मम्मी का, हम मेरा, राधिका का और बड़ी मम्मी का। तो दुल्हनिया के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और भाई सब भी बैठे थे यहीं पर, तो अच्छा लगता है पूरे फैमिली जब मिलते हैं एक साथ बैठ के जब बातें करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो हम दोनों बहनें अभी बैठे थे, मम्मी कुछ बातें कर रही थी और काम भी कर रही थी, मम्मी चाय बना रही थी और हम लोग जो है बैठे थे। तो आप लोग बोलते हो ना ज़्यादा कि आप मायके में भी काम करते हो क्या, तो ऐसा नहीं है, मायके में मतलब काम भी करते हैं, बैठते भी हैं, मम्मी भी करती हैं और बड़ी मम्मी भी आई थी तो ये भी काम कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए ये रात का टाइम हो रहा था और लाइट जो है नहीं था इस टाइम, तो यहाँ पे हम लोग जो है पूड़ियाँ बेल रहे थे, पूड़ियाँ बना रहे थे। तो मैं और बड़ी मम्मी जो है पूड़ियाँ बेल रहे थे और ये हमारी चाची लगती है। तो कोई कोई मेहमान जो है लगन से एक दिन पहले आ गए थे, तो अभी सब लोग जो है मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। तो मोबाइल का ही लाइट से अभी जलाते थे। और ये वाला जो चूल्हा आप देख रहे हो ना, तो इसी चूल्हा में नाश्ता बना था, तो इसी चूल्हा में जो है फिर हमारा ये खाना भी बन जाता है रात का। तो बस अभी जो है हम लोग सब लोग मिलजुल के जो है पूड़ी और सब्जी भी बन चुका था इसी चूल्हे पे, तो कुछ ज़्यादा ही सब्जी बना था, तो बड़े वाले कढ़ाई में इसी चूल्हे पे बना था। तो सब्जी जो है आलू बैंगन का ही बना था। और यहाँ पे अभी फिर से जो है वही बातें चल रहा था, तो शादी का घर था और बातचीत जो है चल ही रहा था। और अंदर ना मैं, राधिका, मनीषा जो है डांस का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे डुगू भी सब बच्चे भी मस्ती कर रहा था। तो ये देखिए डुगू को, डुगू जो है अभी बाला बाला सॉन्ग पे डांस कर रहा था। और यहाँ पे ये दोनों बास्केट जो आप देख रहे हो ना, तो इसमें जो है अभी कल मतलब इसके एक दिन बाद जो है लगन है, तो इसमें दोनों बास्केट में मिठाइयाँ भरे जाएंगे।
तो ये दोनों बास्केट जो है ये न्यू है, और इसमें अभी आलता का कलर, इस तरीके का कलर किया जाता है हमारे में, तो वो अभी कर रहे थे, और फिर इसको थोड़ा देर सूख जाएगा। और ये जो कर रहे थे तो ये हमारी दीदी लगती हैं, और यहाँ पे फिर उनका नाम भी लिखा जाता है, जो दुल्हन का नाम है ना वही, तो भाई जो है मेरा छोटा वाला भाई उस दुल्हन का नाम लिख रहा था, तो दुल्हन का नाम जो है कनिका है, तो वही लिख रहा था। और इसको बोले थे कि छोटे छोटे लिखने के लिए, पर ये बहुत बड़ा बड़ा लिख देता है। और इधर जो है फिर दूल्हा का भी नाम आएगा, तो वो भी जो है अभी लिख देता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मतलब मेहमान आए थे, और मम्मी यहाँ पे मिठाइयाँ भर रही थी, तो उसी बास्केट में जिसमें जो है वो नाम लिखा गया है। और यहाँ पे राधिका भी रिकॉर्डिंग कर रही थी कुछ कुछ, और मैं भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा जो है बूंदी, और जो मैं आप सबको वो बड़ा वाला बूंदी दिखाई थी ना, तो वो बड़ा वाला बूंदी जो है फिर वो मिठाई नहीं बनाए थे लड्डू, तो ये इस तरीके का ही बूंदी वाला मिठाई बन गया था। तो ये अभी इस बास्केट में ना पूरा भर के जो है, मतलब लगन के दिन ले जाएंगे, तो पूरा भर देते हैं बूंदी से। और यहाँ पे आम के पत्ते इसके ऊपर से जो है रख देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए डुग्गू जो है फिर से डांट खाया है। तो यहाँ पे ये कल है ना, तो ये सामने ही पड़ता है दरवाजे के सामने, तो ये जब मन करता है ये चला जाता है। तो अकेले में जब भी छोड़ती ना तब भी चला जाता है, और अपना हाथ जो है फिर कपड़ा भिगा लेता है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये लड्डू इसमें भर दिए हैं, तो जितने मतलब लगन के दिन लड़के वाले ना लड़की वालों को साड़ियाँ देते हैं और पूरा सेट देते हैं, तो यहाँ पे लगभग जो है कितना जोड़े कपड़े थे वो नहीं पता, पर यहाँ पे जितने दादी चाची लड़की की मतलब चाची नानी मम्मी जितनी भी है, तो यहाँ पे पूरे सेट लगा के सबको नाम लिखा हुआ है, और सबको एक एक जो है मिठाइयाँ ये भर देते हैं। तो इसमें जो है साड़ी, पेटीकोट और पैंट शर्ट का कपड़ा रखा हुआ है मम्मी ने, और फिर एक मिठाई भर देते हैं। तो ये सारा जो है अभी पैक करके, रात का टाइम हो रहा था तो रात को ही पैक करके रख देंगे, और फिर लगन के दिन जो है फिर क्या क्या पूजा होता है तो वो जो है कर लेंगे, और फिर लड़की को जाएंगे मतलब लड़के वाले जाएंगे लड़की वाले के घर पे लगन देने। और शगुन, तो शगुन मतलब सगाई होता है, और लगन मतलब वो हल्दी जो लगाया जाता है वो होता है। तो ये देखिए अभी पूरा बैग जो है पैक हो चुका था रात को, और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ये लगन के दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, और सुबह सुबह के टाइम पे अभी ये देखिए ये वाला चूल्हा जलाए हैं जिसमें खाना बनेगा, और फिर ये तवा में भी आग जलाए थे तो उसमें भी खाना बनेगा। तो सब लोग जो है हाथ पैर सेक रहे थे, और धुआँ जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पे फिर मैं मॉर्निंग का चाय बना रही थी सबके लिए, तो राधिका अभी झाड़ू लगा रही थी, मम्मी अभी पोछा लगा रही थी, और अभी मैं चाय बना रही थी। तो अभी मैं चाय दे देती हूँ सुबह का सबको, तो ठंड का मौसम है और सुबह सुबह चाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी लगन मतलब 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो अभी सबके लिए एक बार जो है खाना बन जाएगा। तो ज़्यादा लगन के दिन जो है मेहमान नहीं आए थे, थोड़े बहुत ही आए थे, तो अभी एक टाइम जो है इस चूल्हे पे खाना बनेगा, उसके बाद जो है ये लगन लेके जाएंगे लड़की वाले के घर पे। तो अभी मैं यहाँ पे सबको चाय दे देती हूँ, और फिर बाकी के भी काम अभी बचे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मम्मी पोछा लगा रही थी अभी, तो राधिका अभी जो है झाड़ू लगा ही रही थी। तो मम्मी के यहाँ पे दो रूम हैं, और एक गली जैसा है, और बाहर तरफ भी बरंडा है और इधर की तरफ भी बरंडा है, तो टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है मनीषा और मेरा बड़ा वाला भाई, तो ये जो है बकरा को ना इस तरीके का इनके सींग पकड़ के ना ये सब आदत करवा दिए हैं, तो बकरा भी जो है लड़ने के लिए तैयार रहता है और मज़ा आता है इन लोग को। तो वही अभी लड़ाई कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे अभी मैं पानी ले जाती हूँ कल से, तो इसी कल से जो है हमारा सब पानी जाता है
मम्मी के यहाँ पे, जैसे कि बर्तन वगैरह जितना भी साफ़ होता है पीने का पानी, इस तो यहाँ पे अभी मैं पानी ले जा रही थी। और अभी हम लोग नहाए नहीं थे, तो थोड़ी देर बाद जो है फिर हम लोग नहाने के लिए जाएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा उसके बाद। और फिर नहा आके फिर जो है मम्मी जो है थोड़ी देर बाद नहा लेती है और बड़ी मम्मी भी नहा लेती है। और अभी हम लोग जो है ये देखिए नहा के आ गए हैं, लगन के दिन का क्लिफ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग तैयार हो रहे थे। तो दोनों बहनों ने जो है हम लोग येलो कलर का ये कपड़ा पहन लिया है, तो इसके आगे की क्लिप जो है नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही अच्छा लगता है, तो देखिएगा ज़रूर। और हाँ, आप सब ना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक जो है करना भूल जाते हैं आप सब।